दोस्तों हिंदी भाषा में दो बड़े अच्छे वर्ड है, एक है बूढ़ा और एक बुजुर्ग है। दोनों भी एज वाले पर्सन के लिए ही बनाया गया वर्ड है, लेकिन बूढ़े पर्सन को हम अपनी फैमिली में समाज में कोई उतना सम्मान नहीं देता जितना बुजुर्ग को सम्मान मिलता है अपने लाइफ टाइम स्पैन में। जैसे बुजुर्ग के कोई पूछे बगैर कोई फैमिली में डिसीजन नहीं लिया जाता, क्योंकि उसने अपने लाइफ में कुछ कर दिया दिखा रहता है, वो घर उसका खुद का रहता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। तो इस तरीके से हर एक का जो बुढ़ापा है, हर एक का जो रिटायरमेंट है, वो बुजुर्ग के जैसा होना चाहिए, ना कि बुढ़ापे के जैसा। तो क्यों ना हम अपना सबका रिटायरमेंट अच्छा बनाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिए। मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplanner.com के यूट्यूब चैनल में। ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का, रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब जो पेंशन प्लानिंग जिसको हम बोल सकते हैं, ये एक मेन एस्पेक्ट रहता है जिसके लिए प्लान करना बहुत जरूरी रहता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम करेंगे तो ये हमारा प्लान सक्सेसफुली बनेगा। तो इसमें हम कुछ टिप्स देंगे आपको, आप हमारा वीडियो आखिर तक वॉच कीजिए, आपको जरूर उसमें फायदा होगा। सबसे पहली बात, जल्द से जल्द अपने उम्र के जल्द से जल्द स्टेज में, उम्र के कम से कम स्टेज में आप सेविंग करना चालू कीजिए, पर्टिकुलरली रिटायरमेंट के लिए। जैसे कोई बंदा 40 में रिटायर होना चाहता है तो कम से कम उसको 25 के पहले सेविंग करना चालू करना चाहिए। कोई बंदा अगर 60 साल में रिटायर होना चाहता है तो कम से कम 35-40, जो जितना पहले आप स्टार्ट करेंगे उतने कम सेविंग में भी आप अच्छी रिटायरमेंट का प्लान कर पाएंगे। ओके, अभी ये सबसे मेन बात है कि सबसे जल्द से जल्द आपको प्लानिंग स्टार्ट करनी है। दूसरी बात है कि राइट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको चूज करना है, कि मैं इन्फ्लेशन उसमें काउंट करना चाहिए जो लगभग 5-6% रहता है इन्फ्लेशन, और जिसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, एटलीस्ट 5-6% इन्वेस्टमेंट का रेट पकड़ के उसका फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए। आज मुझे महीने का खर्च आता है अगर 30,000 रुपए, तो मैं जब रिटायर्ड हो जाऊंगा तो उस समय उसका 30,000 का वैल्यू क्या रहेगा, और जब मैं 80 का हो जाऊंगा, 60वें साल के बाद 80 तक मुझे खर्च करना है, तो 80वें साल में मेरा खर्चा क्या रहेगा। बहुत सारे फाइनेंशियल टूल्स, रिटायरमेंट टूल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे इजीली, आप उसमें आपका आपके फिगर्स डाल के देख सकते हैं ओके कि कितना सेविंग करना चाहिए। तो दूसरी बात, रिटायरमेंट के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो जैसे म्यूचुअल फंड्स है, ऑनलाइन यूलिप है, ओके यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, जो ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लान है जिसमें कोई चार्जेस नहीं लगते, 5 साल के बाद उसका लॉक इन पीरियड भी नहीं रहता, तो म्यूचुअल फंड भी ऑप्शन अच्छा है और ये भी अच्छा है। अगर कोई सिक्योरली ही जाना चाहता है तो कोई स्टेट बैंक का FD करे तो भी चलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि FD में रिटर्न्स कम आएंगे और आने वाले 5-10 साल में और कम आएंगे। तो इक्विटी का बैलेंस फंड ओके, या फिर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर जाओगे तो आपको इंडेक्स फंड है, या जो टॉप 100 फंड रहते हैं, टॉप 50 फंड रहते हैं, ब्लू चिप फंड रहते हैं, तो ऐसे सिक्योर्ड फंड में आप जा सकते हो, या स्पेशल रिटायरमेंट फंड्स भी मार्केट में अवेलेबल है जिनका 12-13% रिटर्न आराम से आपको मिलता है, तो उससे थोड़ा सा कम एजम्पशन करके आप प्लानिंग कर सकते हो। तीसरी बात कि आपको SIP स्टार्ट करनी चाहिए, मंथली सेविंग करना इसमें जो बहुत जरूरी है। ऑटोमेटेड आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि मैं सिर्फ मेरे अकाउंट में पैसा बैलेंस रखूंगा, मेरे पर्टिकुलर डेट को SIP हिट होगी और मेरे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, तो मेरा कंपलसरी सेविंग होता रहेगा जिसको हम ऑटोमेटेड सेविंग बोलेंगे। अपने सेविंग को ऑटोमेटेड करना बहुत जरूरी है कि मैं इस महीने करता हूं और 3 महीने बाद करता हूं, फिर याद आ गई 6 महीने बाद करता हूं, ऐसा प्लान नहीं चलेगा। और दूसरी बात, स्टेप अप SIP करना भी ना भूलिए। स्टेप अप SIP क्या है कि मेरा इनकम भी 10-15% हर साल बढ़ता है, तो मुझे सेविंग भी उसी एंगल से, उसी प्रकार से बढ़ानी चाहिए। तो स्टेप अप SIP में आपने अगर फॉर्म भर दिया 10% एवरी ईयर इंक्रीजिंग, 15% एवरी ईयर इंक्रीजिंग, तो अपना अपने आप SIP बढ़ती जाएगी। SIP का प्लानिंग वगैरह जो है तो एक ही बार हो जाता है, इसलिए आपको शुरू में ही करना चाहिए। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस एक आप ठीक ठाक लेके रखिए,
अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस ठीक से नहीं रहेगा तो जितने भी आपने सेविंग की है वो पूरी की पूरी आपका अगर कुछ कंटिजेंसी आ पड़ी तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका पूरा सेविंग खा सकता है। आपकी फैमिली मेंबर्स का पूरा कवरेज रखिए, एप्रोप्रिएट कवर लेके चलिए। टर्म इंश्योरेंस निकाल के रख सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जा रहे हैं। तो हमने आपको 4-5 पॉइंट मेन बताए, अर्ली स्टार्ट कीजिए, अच्छा ऑप्शन चूज कीजिए। तीसरी बात, SIP विद स्टेप अप SIP कीजिए, म्यूचुअल फंड की कर सकते हैं आप, उसमें बैलेंस फंड या इंडेक्स फंड। ओके, और जो हमने एक मेन पॉइंट आपको बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस का भी प्लान आप जरूर ले लें। ओके, और दोस्तों रिटायरमेंट का प्लान पहले स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैंने शुरुआत में बताया कि हमें बुजुर्ग की जिंदगी जीनी है। जैसे ही आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आ रहा है, कोई किसी को पूछता नहीं है और हर एक की अपनी समस्या रहती है, तो हम अपना जो रिस्पेक्टफुल एक लाइफ जीना चाहिए हमें, क्योंकि आजकल पेंशन की भी नौकरियां नहीं है। मेरे पिताजी को पेंशन है, मेरे ग्रैंडफादर को पेंशन है, मेरे अंकल को पेंशन है, सभी लोग पेंशनर्स है, तो वो कितना रिस्पेक्टफुली जीवन जी रहे हैं, तो उतना ही हमें जीना आना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, अपनी सेविंग जरूर स्टार्ट कीजिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको इसमें मदद कर सकते हैं। तो आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।